हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन जो बच्चे हैं दे रहे हैं हमारे, सीबीएसई ने आज 11th ऑफ जैन को 7 एग्जामिनेशन की डेट्स को चेंज किया है। और उस 7 एग्जाम्स में सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा जो एग्ज़ाम 28 मार्च को होना था, आईपीओ कंप्यूटर साइंस, यानी वो एग्ज़ाम जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं 27 मार्च को इको का देके आने वाले हैं, उनको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल रही थी। वहीं अब वही एग्ज़ाम जो 28 मार्च को होना था वो अब है 2nd अप्रैल को, यानी अब मिलेंगे 5 डेज फॉर आईपी एंड कंप्यूटर साइंस। सिमिलरली जो एग्ज़ाम 2nd अप्रैल को होना था वो 5 एग्ज़ाम थे हमारे जो मेन एग्जामिनेशन में है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, फिलॉसफी, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, थिएटर्स और लाइब्रेरी साइंस। इन्हीं 5 पेपर्स को जो कि 2nd अप्रैल को होना था, पहले अगर मैं बात करूँ उन बच्चों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं जिनके पास फिजिकल रहो, वो फिजिकल और इस एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिल रही थी, बट अब वही 2nd अप्रैल का पेपर होगा 4th अप्रैल को, यानी अब मिलेंगे आपको 4 डेज। तो सीधा सीधा अगर बात करें तो जो हमारे हैं बच्चे आईपी और सीएस वाले, उनको मिलेंगे अब 5 डेज मिलेंगे 27 मार्च के बाद, वो देंगे अपना पेपर कौन सा 2nd अप्रैल को, फाइन। और वो जो दूसरे हैं हमारे 5 एग्जामिनेशन जिसमें हम बात करें, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें और फिलॉसफी की बात करें, तो ये अब होगा हमारा 2nd अप्रैल की जगह 4th अप्रैल। सो आई होप ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी और हम सभी को धन्यवाद करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए सीबीएसई का कि जो हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की रिक्वेस्ट और इवन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट को उन्होंने कंसिडर किया और एम्पल नंबर ऑफ डेज दिए पढ़ने के लिए। तो आई होप ये अपडेट अच्छा लगा होगा, तो आई थॉट कि लेट मी शेयर विद माई स्टूडेंट्स। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।